नमस्कार मेरे किसान मित्रों, मैं जयप्रकाश सिंह, सुपुत्र श्री हृदय नारायण सिंह, एक छोटे से गांव दीवानगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मैं एक सर्विसमैन भी हूं, आर्मी से रिटायर्ड। अब ये मेरा चैनल नया है, देसी खेती के नाम से है। इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये कुछ गमले रखे हुए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा जितना भी, इसी पे मैंने खेती शुरू की थी, मतलब किचन गार्डनिंग शुरू की थी। और संपूर्ण जैविक मैंने खेती शुरू की, और धीरे धीरे लगभग मैं 2 साल तक इस पे काम करता रहा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मुझे अनुभव प्राप्त हुए, और मैं मेहनत करता रहा सुबह शाम। मेरी एक इलेक्ट्रिक की शॉप भी है, वहाँ से जब मैं फुर्सत पाता था तो शाम को यहाँ पे समय देता था। और बहुत अच्छा मेरा मतलब रिजल्ट रहा। यहाँ पे हमने पूरा बनाया था, चारों तरफ से वो मतलब छाजन टाइप का बना हुआ था, पन्नी लगाई थी ऊपर से। उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे एक दोस्त, मेरे अनुज भी हैं, वो जेई साहब हैं, रणविजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि भैया अब आप इसको तो ज़मीन पे लाइए, इसको आप जो है प्रोफेशन बनाइए, अच्छा पैसा देगा आपको। बहरहाल पैसे की तो ज़रूरत सबको होती है, कौन ऐसा है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने खेती शुरू की। अब आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये 56 कद्दू है मेरा। आगे वो बैंगन दिख रहा है, बैंगन के आगे जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो है मिर्च लगी हुई है, BNR 305 और रोशनी। और ये देखिए, ये है मटर, और ये आप नीचे देख रहे हैं आलू है ये। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए मेरा यहाँ पे, आप उधर आगे देख रहे हैं, वो पपीता लगा हुआ है, और पपीते के बीच में मैंने जो है मिर्च भी लगाई है। और ये देखिए पूरा टमाटर लगा है, ये नीचे जो है लाइन लाइन टमाटर लगा है, और लाइन लाइन टमाटर के बाद देखिए जाल मैंने बना रखा है ऊपर से, ऊपर हमने लौकी लगा रखी है। ठीक है सर, ये हल्दी घर पे लगाई है घर के खाने भर के लिए। और ये मेरा ग्रीन हाउस है, वहाँ दिख रहा है आपको। और साथ साथ में ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये नर्सरी है, हम नर्सरी अपनी खुद की तैयार करते हैं, और अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको बेचते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको कई ऐसी चीज़ें बताऊंगा अपने किसान भाइयों के लिए, आपके सामने लाऊंगा कि आप बिना पैसा खर्च किए अगर घर में एक गाय है तो उसके पेशाब और उसके गोबर से आप लगभग लगभग 4 एकड़ खेती बहुत आराम से कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, और ऐसे ही मैं कई वीडियो आपको बनाऊंगा, ऐसे कई वीडियो डालूंगा, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है आज, और धीरे धीरे आपको सारी जानकारी दूंगा। हम किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरा चैनल बराबर देखते रहिए, मैं जितना वीडियो लाइव है पूरा अपडेट करता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको सारे चैनल बराबर वीडियो जो है दिखाई देते रहेंगे। धन्यवाद, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, ऐसे मैं बराबर वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग देखते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। और मैं आपको कहता हूँ, किसानी जो किसान है हमारा, अगर किसानी करता है तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, और किसी के आगे उसको नौकरी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि मेरा क्या फ़ायदा है, कितना, अगर मैं जो जो एक एक फसल के बारे में मैं बताऊंगा, उसका तरीका क्या है, कैसे लगाना है, कैसे करना है। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें। जो आपको जहां भी समस्या लगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जब भी चाहें फ़ोन करिए, मैं आपकी हर जगह हर तरीके से मदद करूंगा। धन्यवाद।